चलिए बच्चे, आज हम लोग डिबेट करते हैं केमिस्ट्री फॉर एवरीवन, सबके लिए केमिस्ट्री, सभी के लिए, चाहे वो 11th का हो, 12th का हो, 9th का हो, इंजीनियरिंग का हो या 12th पास हो, सबके लिए केमिस्ट्री जरूरी है। आजकल जैसा चला हुआ है कोरोना, इस लॉकडाउन में हमेशा ये न्यूज़ मिलती रहती है कि क्या इसकी कोई दवाई है। दवाई पर रिसर्च चल रहे हैं, इंडिया में भी चल रहा है। सबसे कारगर दवाई आपने सुना है न्यूज़ में, वो HCQ है, हाइड्रोक्सी क्लोरो क्वीन है। हाइड्रोक्सी क्लोरो क्वीन इफेक्टिव है, अमेरिका भी इंडिया से ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाई मांगा और हम लोग प्राउड फील कर रहे थे। अपने इंडिया केमिस्ट्री में काफी आगे हैं, सभी साइंस को समझ करके पढ़ें तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। आने वाले भविष्य में कोरोना का कुछ ना कुछ मेडिसिन, कुछ ना कुछ केमिकल आएंगे। अभी जो चल रहा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, वो काफी इफेक्टिव है। इसी पर आप चर्चा करेंगे कि आपसे आपके सिलेबस से थोड़ा रिलेट करवाएंगे, जो कुछ 11th में है, कुछ 12th में है, कुछ 12th पास है, सबके लिए। इनमें कुछ खास बात होगी जो आपको जानकारी देंगे, एग्जाम से रिलेटेड भी होंगे और नॉलेज भी होंगे। सिंपली यू हैव टू लर्न फॉर नॉलेज। एग्जाम तो ऐसा आता जाता रहेगा, जिंदगी में कितने इम्तिहान आपको देने हैं, आप नॉलेज के लिए पढ़िए तो डेफिनेटली आप बहुत ही आगे बढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग डिस्कशन करते हैं बच्चे। आज का जो डिस्कशन होगा वो केमिस्ट्री फॉर एवरीवन, केमिस्ट्री फॉर एवरीवन। केमिस्ट्री फॉर एवरीवन। ये और एक केमिकल के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं जो काफी इफेक्टिव है। दुनिया भारत की तरफ देख रहा था कि भारत वो केमिकल भेजे और उसका नाम था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो चलिए इस पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरो क्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एक केमिकल है बच्चे। ये जो केमिकल है पांच एलिमेंट से बने हैं। अब जानते हैं कि 26 लेटर अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश मेक्स कंप्लीट डिक्शनरी। यहां तो 118 एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज बनाते रहते हैं। और जीवन बनाने में तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब का इन्वॉल्वमेंट है। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है जैसे आयरन वगैरह। इसके अलावा अगर हैवी मेटल डिपॉजिट हो जाए तो डेफिनेटली पॉल्यूशन जीवन में कॉज करता है। अब आप ये बताइए कि अगर यही कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन ये सब अलग अलग तरीके से जुड़ जाए तो कई तरह के चीज बनाते हैं बच्चे। ये जो वायरस है वो आरएनए है और आरएनए में आप जानते हैं क्या क्या है। आरएनए में क्या क्या है, वही कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फास्फोरस है। इनसे बने कार्बन तो श्योर लिविंग का चीज है। ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है जो कोरोना के लिए इफेक्टिव है, ये कोरोना स्पेशल हम लोगों का क्लास, कोरोना केमिस्ट्री पे आएंगे हम लोग। इनके लिए जो केमिकल है वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, शॉर्टकट में बोल दिया जाए HCQ। ये कितने एलिमेंट से बने हुए हैं बच्चे, अभी बताया गया है टोटल फाइव।
एकदम सही, टोटल फाइव एलिमेंट्स बने हैं और उसमें कौन कौन से हैं? तो कहेंगे इनमें जो है कार्बन है, कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल, वो तो चावल में भी है, ये कोयले के पार्टिकल मिल करके क्या नहीं करता, ये तो वायरस भी बना दिया, हैरेसमेंट चलते रहता है, बदलते रहता है। तो ये कार्बन का जो नंबर है इसमें 18 है, एक छोटे से पार्टिकल में 18 है। और हाइड्रोजन का जो संख्या है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन क्लोरोक्वीन इज 26। देयर आर थ्री नाइट्रोजन, वन ऑक्सीजन एंड वन क्लोरीन। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको याद नहीं रखने हैं, सीखने हैं नॉलेज के पर्पज से। तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनमें बताइए एक क्लोरीन है, तीन नाइट्रोजन है, 18 कार्बन है और 26 हाइड्रोजन है। ये फॉर्मूला है जनरली क्लोरीन कंटेनिंग। और एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री है कि केमिस्ट्री एड्स का भी मेडिसिन दिया, ये एप्लीकेशन में आप फर्स्ट चैप्टर में ही 11th वाले पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन केमिस्ट्री के, आप जो एप्लीकेशन है वो केमिस्ट्री तो एड्स के भी दबा दिए, और वो एड्स जो है ये तो फिर आया है कोरोना के लिए, COVID-19 के लिए इफेक्टिव फॉर COVID-19। ये इफेक्टिव है। असल में आप ये भी जानते हैं बच्चे कि अब केमिस्ट्री एक केमिकल है एसिटोथाइमिडीन, वो इस्तेमाल होता है एड्स के लिए, दिस इज एंटी एड्स। आप जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बहुत केमिकल बनाए हैं और जीवन को सुगम बना दिया है। सो टेक इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री, तो हर फील्ड में केमिस्ट्री आपको दिखेगा, हर साइंस को, हर कुछ को यू हैव टू टेक इट बाय हार्ट। तो आप ये बताइए उसी तरह से कैंसर का जो महत्वपूर्ण मेडिसिन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन को कैंसर इज सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन इनके जो फॉर्मूला है बच्चे वो PtCl2NH3 का होल ट्वाइस, ये सिस्प्लेटिन है। और ये दिस इज फॉर व्हाट कैंसर, दिस इज एंटी कैंसर, कैंसर के लिए है। तो इनका मतलब हम लोग कह रहे हैं चाहे कैंसर हो या एड्स हो, और अब भी जो प्राइम एपिडेमिक है जो COVID-19, उनके लिए इफेक्टिव केमिकल बन के सामने आया है। पहले से इंडिया के पास मौजूद था, मलेरिया का ट्रीटमेंट होता था, वो था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, प्रचुर मात्रा में हमारे यहां मौजूद है। आज हम लोग पूरे क्लास को ये डिबेट करेंगे कि बेसिकली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन क्या है और कैसे बनाया जाता है, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये बताइए कि बेसिकली HCQ जो क्लोरो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, दिस इज इफेक्टिव, ये अभी पाया जा रहा है इफेक्टिव फॉर COVID-19 और मेडिसिन आने का इंतजार है, लेकिन तब तक ट्रीटमेंट इनसे किया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब अगर ये कहा जाए इनका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, पांच तरह के एलिमेंट हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन, पांच तरह के एलिमेंट है इसके अंदर, और इस तरह से इसके मॉलिक्यूल बने हुए हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, दैट इज दिस मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर COVID-19। सो व्हाट शुड बी स्ट्रक्चर फॉर स्ट्रक्चर लेकर के सिर्फ नॉलेज के लिए, हाँ आपको स्ट्रक्चर सिलेबस में नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर लिख करके दिया रहेगा इन कमिंग एग्जाम। इसी कोरोना के चलते आपके एग्जाम जो
जेईई और नीट के एग्जाम है 2020 के, वो थोड़ा एक्सटेंड हो गया है आप जानते हैं। तो किस तरह से कोरोना का इफेक्ट है हमारे यहाँ और वो किस तरह से एलिमेंट से बना होगा अंदर, हर तरह का आने वाले भविष्य में इसी एटमों के अरेंजमेंट से कई तरह के और लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचर प्रोड्यूस कर सकता है जो आदमी के लिए घातक हो, और हम लोगों का काम है कि उसके अगेंस्ट में केमिकल बनाना जो जीवन को बचा सके। हम लोग ये कह रहे हैं कि इनके जो स्ट्रक्चर है बच्चे, स्ट्रक्चर है ऐसे कर लें, क्विनोलिन लिख लें। क्विनोलिन क्या है आपको पता है? अगर यह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इनमें एक बेंजीन है, दूसरा नाइट्रोजन कंटेनिंग है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग इधर सीएल। अब इधर बच्चे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़े हुए, नाइट्रोजन से जुड़े हुए इधर 1, 2, 3 एक मिथाइल है, 3 कार्बन लिख लें। टोटल नाइट्रोजन कितने हैं? 3 है। तो तीनों नाइट्रोजन का अरेंजमेंट इस तरह से है बच्चे, 1, 2 एक और कार्बन लिख लें, 1, 2, 3 कार्बन एक मिथाइल है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 2 कार्बन के साथ OH है हाइड्रोक्सी, फिर यहां 2 कार्बन है। ये 11th के लिए नेसेसरी नहीं है, जो इस 12 आईटी में जा रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये स्ट्रक्चर लिखकर के दिया रहेगा कि इनमें कार्बन कार्बन कौन सा है। आप जानते हैं कार्बन कार्बन, तो कितना कार्बन कार्बन है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन में, तो हम लोग देखते हैं कि ये कार्बन, इस कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। ये कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन है, क्लोरोक्वीन ऑप्टिकली एक्टिव, इसका मतलब प्लेन पोलराइज लाइट इनके सॉल्यूशन से पास करवाया जाए तो ये लाइट को टर्न करेगा। अब ये बताइए इसके 2 वैरायटी आ गए, एक डेक्स्ट्रो और दूसरा लिवो, डेक्स्ट्रो और लिवो। अब हम लोग कह रहे हैं इसमें पूछा जा सकता है कि ये नाइट्रोजन जो 3 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 1, 2, 3, अब जानते हैं नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके एक एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन बंधा रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है। ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉन देने वाला बेस कहलाता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला बेस है। तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा, कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ये करता क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन करता होगा कोरोना के आरएनए पे, कोरोना के प्रोटीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन से उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा, केमिकल चेंज हो रहा होगा, इसलिए इफेक्टिव होता होगा। ये बेसिकली तीनों नाइट्रोजन है, तीनों के बेसिक स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकता है, चलिए इतना लिख लें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का ये जो स्पेशल लेक्चर है वो सब के लिए है, इस दौर में कोरोना के एपिडेमिक में जिसमें पूरा वर्ल्ड प्रभावित है, तो इस पे क्यों ना हम केमिकल का चर्चा करें, अगर चर्चा ना किया जाए तो ये दुर्भाग्य होगा। ये सब के लिए छोटे बच्चे ये जाने 9th, 10th, 11th की केमिस्ट्री का बहुत योगदान है, उससे शौक से पढ़ें, इंटरेस्ट से पढ़ें, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर बहुत तरह के केमिकल बनाए जाए, उसके कई चीजों को मिला करके केमिकली कंबाइंड होते हैं, तो कई तरह के केमिकल बनते हैं, उसी तरह से जिंदगी में भी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कई तरह से कंबाइन करके छोटे छोटे पार्टिकल बनाते हैं, तो उससे कई तरह की जिंदगियां बनती हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, सेल बनते हैं, और कई तरह के सेल से टिश्यूज और बड़े बड़े प्लांट बनते हैं, एनिमल बनते हैं।
तो इनका मतलब हम लोग कह दें कि ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है इनको बनाया कैसे जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया बच्चे, C18H26N3 एक ऑक्सीजन एक क्लोरीन। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। और इसको हम लोग बोल रहे हैं शॉर्टकट में HCQ। किस लिए? तो मलेरिया के लिए, स्पेशली फॉर मलेरिया। लेकिन प्रेजेंटली इसका अहमियत क्यों बढ़ गया है? क्योंकि कोरोना के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। दिस इज स्पेशली फॉर मलेरिया। अब ये बताइए बच्चे कि इनको एडवांस वाले पूछ सकते हैं और सबको जानकारी रखना चाहिए, इसका सिंथेसिस कैसे किया जाता है। सिंथेसिस में कुछ रिएक्शन होंगे, आपके सिलेबस में मॉडिफाई कर रहे हैं। इनमें जो है ये नाइट्रोजन रिंग में है, तो इसको तैयार करने के लिए लिया जाए केमिकल जिसका नाम है क्विनोलिन। ये क्विनोलिन है, क्विनोलिन एक केमिकल आता है, आप बना सकते हो। इस पे क्लोरीनेशन करवाया, आपको पता है क्लोरीनेशन करवाने के लिए सर्टेन रिएजेंट जो 12th पास हैं, बेसिकली उसको ज्यादा आइडिया होगा कि क्लोरीनेशन कैसे किया जाता है। अब इनका प्रोटोनेशन करवाइए, इसमें एच प्लस आइन डाल दिया जाए, एच प्लस आइन कुछ एसिड मिला दें, HCl मिला दें, H2SO4 मिला दें, देयर विल बी प्रोटोनेशन। कहां पे? ये प्रोटोन ही प्रोटोन है, एच प्लस आइन प्रोटोन है। प्रोटोन किस पे जाएगा? डेफिनेटली जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसे कंबाइन करेगा। प्रोटोनेशन ये बेस है, बेसिक सेंटर है। तो अब ये बताइए क्या बना देगा बच्चे? तो हम लोग कह दें देयर विल बी प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब ये बताइए आपके सिलेबस में आ गए, अगर कहीं पर भी रिंग में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगाया जाए, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला प्लस है तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, इसको हम लोग साइंस में बोलेंगे। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा जानकारी मिल जाएगा, कहेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने वाला, इलेक्ट्रॉन को लूटने वाला। तो अब ये क्या होगा बताइए? ये रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया, रिंग का इलेक्ट्रॉन पूरा पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा। अब इनको कंबाइन करवा दें, मतलब केमिकल लेना है क्लोरोक्विनोलिन, क्लोरोक्विनोलिन इनको प्रोटोनेट करवा दीजिए, और फिर आपको देना है, उसे मिलाना है, केमिकल में मिला देना है हाइड्रोक्सिल अमीन, ये NH2OH। अब क्या होगा बताइए बच्चे? तो ये रिंग अगर डीएक्टिवेट हो जाए तो क्लोरीन आराम से, ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, क्लोरीन अब आराम से रिप्लेस हो जाएगा। क्लोरीन को रिप्लेस कर दीजिए, ये नाइट्रोजन है, क्लोरीन रिप्लेस हो गया NHOH से, ये रिप्लेस हो गया इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस आयन, एसिडिक मीडियम में NH2OH डाला जाए तो वो क्लोरीन रिप्लेस हो गया, क्लोरीन रिप्लेस हो गया। इनके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि थर्ड स्टेप में इनमें ये प्रोटोनेट है, इनको
रिडक्शन करवा दीजिए, पेस्ट रिडक्शन के लिए है। निकल या कह सकते हैं लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत कुछ आता है। लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड ये केमिकल कई चीजों को बनाने के रूप में करते हैं हम लोग, ये एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की। आप समझ करके पढ़ेंगे बहुत सारे केमिकल हम लोग बनाएंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, दुनिया वाले को हम लोग हेल्प करेंगे केमिकल के थ्रू एपिडेमिक का ट्रीटमेंट। अब ये बताइए बच्चे कि ये रिडक्शन से बन जाएगा, रिडक्शन से बन जाएगा, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड क्लोरीन को नहीं हटा पाएगा, ये रिड्यूस करेगा और रिडक्शन से बन जाएगा। OH को हटा दीजिए और यहां पे अमीन ग्रुप लग जाएगा, अमीन ऐसे मिल गए बच्चे। इनके बाद जानते हैं क्या क्या आया, इसका मतलब बेंजीन के रिंग में या कोई भी एरोमेटिक रिंग पे क्लास 12 पास वाले के लिए कह रहे हैं, इस बार जेई मेन में जाएंगे, नीट में जाएंगे, रिंग पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा दिया जाए तो देयर विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन में या एरोमेटिक में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन डीएक्टिवेट कर दें तो क्या होने वाला है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसा आप जानते हैं, जो छोटे बच्चे हैं घबराइएगा नहीं इस टर्म से, इसको वीडियो को सेव रखेंगे बाद में घबराएगा, याद रहेगा कोरोना के टाइम में, कोरोना के टाइम में कोरोना केमिकल जो बनाया गया था बोर्ड पे लेक्चर में वो हाइड्रोक्सी और इंडिया में कैसे इंडिया पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा था, पूरी दुनिया इंडिया को सल्यूट करता है इस केमिकल की वजह से। और क्यों ना इस केमिकल के बारे में हम लोग गर्व करें, तो वी आर प्राउड ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। अब आगे क्या करना है, आगे इनको हटाना है और इनके लिए है एक कीटोन कंटेनिंग क्लोरीन। फिर इन दोनों आप जानते हैं कि कहीं पर भी कीटोन और एनएच टू हो तो ये दोनों कंबाइन कर जाए, आप रिविजन कर लीजिएगा। कीटोन को अगर अमोनिया और डेरिवेटिव से कंबाइन करवा दिया जाए तो वाटर हट जाता है और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाते हैं, आपको ये पता है। तो इनका मतलब हम लोग कह दें बच्चे ये क्या आ गया, ऐसा आ गया, यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा इनके बीच, डबल बॉन्ड, एक कार्बन ऊपर ये कार्बन, फिर इस तरह से और इसमें एक दो तीन चार, एक यहां पर बन गया 1 2 3 4। सो ये जो है फोर वाला, तीन से फोर वाला यहां पे आ गए और बाकी कितने 1 2 3 4 ऐसे कह दे क्लोरीन ये बन गए और इस तरह से रहेगा। नहीं क्या क्या हो गए ऐसे ऐसे कह रहे, ये फ्लो चार्ट बना रहे ऐसे ऐसे बनना चाहिए, मेरे पास केमिकल है क्विनोलिन क्लोरो क्विनोलिन, उसमें एसिडिफाई किया फिर NH2OH मिलाया, उसके बाद लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड मिलाएंगे अलग अलग स्टेप में, फिर बनाएंगे एक क्लोरीन कंटेनिंग कीटोन की हेल्प लेंगे तो ऐसा बनेगा बच्चे। अब हम लोग करेंगे क्या कि एक और रिएजेंट डालेंगे जो जिसमें इथाइल है और इथाइल एथेनॉल है और फिर उसमें नाइट्रोजन है। अब क्या होगा बताइए बच्चे, हम लोग जानते हैं इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को हटा देंगे,
सो अल्टीमेटली जो बनेगा वो बनेगा ये इस तरह से कन्वलिन है, और इस पे जो आएगा बच्चे ये आ जाएगा नाइट्रोजन, ऐसे कर दें नाइट्रोजन, फिर इनको इनको अगर ये डबल बॉन्ड हटाना है, डबल बॉन्ड हटाना है इससे, तो निकल और हाइड्रोजन ले लें, ताकि निकल और हाइड्रोजन से अनसेचुरेटेड को रिंग का सेचुरेशन, रिंग का रिडक्शन नहीं होता है, इनका रिडक्शन होगा तो फिर बन जाएंगे हम लोग, ये कह सकते हैं टोटल अंदर चार कार्बन रखिएगा तो एक दो तीन आए उसमें चार, फिर यहां पे क्लोरीन बैठा दें, डबल बॉन्ड हट गया। तो इनका मतलब क्या क्या प्रोसेस रहा बेसिकली, बार बार कर रहे हैं नेट वाले मेडिकल का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मलेरिया का है दवाई, मलेरिया का मेडिसिन है, इसमें नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ओएच है, तो बोल रहे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दी हो। बनाने का तरीका आया कि पहले प्रोटोनेशन डीएक्टिवेट करना, अंदर अंदर छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में सोच रहे हैं, फिर जाकर के कि नाइट्रोजन से रिप्लेस करना क्लोरीन को, फिर क्लोरीन हट गए तो इनका लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीटमेंट करवाना, फिर लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीटमेंट करवाने के बाद कुछ कीटोनिक कंपाउंड, कीटोन वाले कंपाउंड, सब वैरायटी है केमिकल के, बहुत केमिकल ग्रुप बनाए, तब जाकर के निकल और हाइड्रोजन से रिडक्शन करवाना और ये इंटरमीडिएट बना लेना। अब इसी इंटरमीडिएट से फाइनली बन जाएगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन HCQ, इसको चाहे तो नोट कर ले, फिर हम लोग आगे। चलिए, तो आपने देखा कि कोरोना का मेडिसिन जो पहले मलेरिया के लिए था, कोरोना के लिए भी है, इसके साथ और एडिटिंग मिला करके जो इंडिया इसमें सक्षम था, कई देशों को इसने दिया है, इनको हम लोग बना रहे हैं, बना रहे हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है सिलेबस के आसपास हम लोग घूम रहे हैं। प्रोटोनेट करना, न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन करवाना, क्लास 12 में ऑर्गेनिक में पढ़े हैं, 11th वाले ही सोचेंगे हाँ कैसे ऐसे बनता है ये दवाई जो कोरोना के लिए अभी उपयोगी, केमिस्ट्री की बहुत उपयोग आती है, 11th वाले इतना माइंड में रखेंगे ताकि वो पढ़ेंगे और हम लोग सभी मिलकर के भारतवर्ष डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। अब ये बताइए बच्चे कि इनमें जो है अब तक ये बना है, ये एट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये रिंग को किनोलिन बोलते हैं, इसमें नाइट्रोजन आए, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड था उसको हमने, हम लोगों ने निकल और हाइड्रोजन से रिड्यूस कर दिया था, इसके बाद है इसमें टोटल 1, 2, 3, 4 अंदर अंदर 1, 2, 3 एक मिथाइल ग्रुप, 4 कार्बन कार्बन, तो ये वाले कार्बन कार्बन है। अब इसको रिएक्ट करवा देंगे एक केमिकल से जो NN इथाइल है और NN इथाइल है और N हाइड्रोक्सी इथेन है, ये इससे रिएक्ट करवा दीजिए, तो होगा क्या आप बताइए, क्या ये क्लोरीन हटेगा? आप जानते हैं कि क्लोरीन रिंग पर से नहीं हटता जल्दी, डीएक्टिवेट करने पर ही हटता है, तो बाहर वाला क्लोरीन ही हटेगा, ये याद रखेगा एडवांस वाले जी मेन वाले, तो ये क्लोरीन हट जाएंगे किसके द्वारा? नाइट्रोजन के द्वारा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन
अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ज्यादा रखता है, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कंजूस है, अपने पास रखेगा, देगा नहीं। कौन देगा? नाइट्रोजन देगा। तो अब ये बताइए बच्चे, सो व्हाट शुड बी रिएक्शन? द रिएक्शन विल बी इन बिटवीन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हटाएगा क्लोरीन को, देयर विल बी अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप बताइए क्या हो जाएगा टोटल? तो टोटल आ जाएंगे इस तरह से, इधर नाइट्रोजन है, फिर इधर मिथाइल था, टोटल एक दो तीन चार केमिकल थे, और इनमें क्लोरीन हट गए नाइट्रोजन से, और इसी में है दो कार्बन वाले OH और एक बताइए बच्चे क्या? मिथाइल ग्रुप, रिंग, ये बन गए। इधर हाइड्रोक्सी है, इधर क्लोरीन है, हाइड्रोक्सी क्लोरोन। अब सवाल उठता है जी मैंने के लिए, अगर ये स्ट्रक्चर दिया रहेगा, ये स्ट्रक्चर दिया रहेगा जी मैन में या नीट में, कहेगा इनमें तीन नाइट्रोजन है, कौन कौन सा ज्यादा बेसिक है? बेसिक नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर नाइट्रोजन है, इसमें तीन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नंबर वन, नाइट्रोजन नंबर टू, नाइट्रोजन नंबर थ्री। आप जानते हैं कि रिंग में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चे, रिंग तो खुद ब खुद, रिंग तो खुद ब खुद ब खुद रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, लेकिन इस नाइट्रोजन, जहां नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है, उसका हाइड्रेशन sp2 आएंगे, इनका नाइट्रोजन रेजोनेंस के थ्रू रिंग में चला जाएगा। इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बिंदी बिंदी इलेक्ट्रॉन है, तो यहां नाइट्रोजन पे बच्चे बताइए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेगा, जहां जितना ज्यादा नाइट्रोजन, जिस नाइट्रोजन पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, लुईस बेस होगा। अब ये बताइए, तो बेसिक नाइट्रोजन, बेसिक कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन, बेसिक नाइट्रोजन तीनों थ्री नाइट्रोजन, अब ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर अगर पूछा जाए, ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है इस पर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन में तो सबसे ज्यादा बेसिक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर ये है पहला नाइट्रोजन वाला, फिर बताइए सेकेंड वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला, इनके भी घूम नहीं रहे हैं, लेकिन sp2 कैरेक्टर आने से वो इलेक्ट्रॉन इसके पकड़ में आ जाएगा, ग्रिप में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। और सबसे कम बेसिक कैरेक्टर किसके हैं? टॉयड वाला। बिल्कुल सिंपल सा आ गया बेटे। तो क्या क्या आपने सीखा? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन में एक तरल कार्बन है, तीन नाइट्रोजन में, तीनों का बेसिक कैरेक्टर अलग अलग है, जो उधर वाले नाइट्रोजन है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है इसी OH के चलते नाम पर हाइड्रोक्सी। तो आप बताइए ये वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर जो रिंग से अटैच्ड है उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो इनका पता हम लोग देख क्या रहे, तो इससे रिलेटेड आ गया एडवांस के लिए कई चीज आ गए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे करके पूछे ये इसमें बदल रहा है, वो उसमें बदल रहा है, फाइनल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग ज्यादा हार्ड करेगा, ओलंपिक लेवल पे भी जा सकते हैं, इस तरह से पूछने का संभावना बनता है। अब ये आइए बच्चे, दूसरा चीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो अभी छिड़काव जगह जगह हो रहा है, वो सैनिटाइज कर रहा है बसों को, और सबसे अच्छा सैनिटाइजर है, सैनिटाइज करने वाला, डिस इंफेक्टेंट है, पूरी तरह से सैनिटाइज करने वाला, वो है सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये सोडियम हाइपोक्लोराइट
इसी का स्प्रे करते हैं, इसी से स्प्रे करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, अल्कोहल भी 70% से ज्यादा वाला सैनिटाइजर की तरह काम करेगा, और इससे भी हम सैनिटाइज कर सकते हैं, वायरस को भगा सकते हैं। और इसमें जो है बेसिकली HOCl ये कहलाएगा हाइपोक्लोरस, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या हाइपोक्लोरस एसिड है। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर वाटर के जैसा, वाटर के जैसा, ये H2O, तो HH दो बार आएगा लेकिन एक H के बदले क्लोरीन है भाई, क्लोरीन। वाटर कैसा होता है? अब यहां पे आप जानते हैं जो 12th में ऑर्गेनिक जानते होंगे, जो इस बार एग्जाम दे रहे होंगे, कि क्लोरीन के पास मेथेन डी ऑर्बिटल है, कि लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास जाने से इफेक्ट उसका कम होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंगल इसका बढ़ जाएगा, ये हाइपोक्लोरस एसिड के अंदर बॉन्ड जाता है, बेंड से इससे वाटर होता है, ये बेंड से है, बेंड से। अब इसी में इसी एसिड से आया हुआ OCl- माइनस है हाइड्रोजन हटने के बाद, जिसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट का घोल बना करके अगर हम लोग स्प्रे करें तो वायरस या माइक्रोब किल हो जाएगा। अब आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट का क्या काम है। चलिए अब सवाल ये उठता है कि सोडियम हाइपोक्लोराइट को बनाएंगे कैसे, प्रिपरेशन कैसे बनाया जाए। क्लोरीन गैस को पास करवाइए सोडियम हाइड्रोक्साइड में या अंदर अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाइए, उसमें क्लोरीन फ्लो करवाइए, तो कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में, डाइल्यूट कंडीशन में ये बनाएगा क्लोराइड आयन एंड सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये बनाएंगे बच्चे। अब ये बताइए, सवाल ये उठता है कि इनमें, अब जानते हैं ये स्पेशल रिएक्शन कई बार आए हैं जेई मेन में, एडवांस में, नीट में, कई एग्जाम में, इसमें क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है और क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस तरह का स्पेशल रिएक्शन का नाम बच्चे बताइए क्या था, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें क्लोरीन का ही स्पेशल रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का ही रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन। तो बेसिकली क्या है, क्लोरीन गैस है, गैस बना लेंगे, अभी हम लोग बनाएंगे, और ऑक्सीडेशन से सोडियम हाइपोक्लोराइट बन जाएंगे। अब इनको प्यूरिफाई कर लेंगे, प्यूरिफिकेशन के मेथड है, क्लोरीन को अलग कर लेंगे और सोडियम हाइपोक्लोराइट को अलग कर लेंगे, इन्हीं का घोल बना करके स्प्रे करवाइए, जगह जगह स्प्रे हो रहे हैं, ट्रेन पे, बसों पे, प्लेटफॉर्म पे, कई जगह हॉस्पिटलों में, तो ये बिल्कुल सैनिटाइजर है, कोरोना को मारेगा, बैक्टीरिया वायरस को किल करेगा। अब सवाल है कि क्लोरीन को जनरेट कैसे किया जाए, कैसे हम लोग ये पता करेंगे क्लोरीन को कैसे जनरेट करेंगे, या घर में कैसे बनाया जा सकता है, घर में बनाया जा सकता है, अरे हाँ सोच सकते हो सकते हैं, लेकिन घर में उतना हम लोगों के पास साधन नहीं है ताकि प्यूरिफाई कर पाए, लेकिन कुछ ना कुछ सोडियम हाइपोक्लोराइट बन करके आएगा। हम लोग चलते हैं एक एक्सपेरिमेंट करने, और वो एक्सपेरिमेंट में करते क्या है कि एक थोड़ा टेबल लाओगे, टेबल एक टेबल दे दीजिए आप, चलिए एक प्रैक्टिकल हम लोग कर लेते हैं। अपने घर में सबके पास ये NaCl है, डब्बे में आती है, किचन में रखा हुआ है, व्हाइट कलर की केमिकल, नमक, टेबल सॉल्ट,
ये है और ये वाटर है, ऐसा ये वाटर है। अब इनको डिजोल्व करवाते हैं, NaCl को घुलाते हैं, पानी डाल करके इसको घुलाते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं। जब तक पूरा नहीं घुल जाएगा तब तक हम लोग थोड़ा थोड़ा करके मिक्सअप करते रहेंगे। क्या है आम होगा मन में, क्या है सोडियम हाइपोक्लोराइट बनाने का, है ना? कितना जरूरत है, कितने लोगों का जीवन बचाता होगा ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट। ये पूरी तरह से सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये पूरी तरह से घुल गए, ये NaCl अब सॉल्यूशन बन गया। हम लोग कह रहे हैं दिस इज NaCl एक्वस, NaCl एक्वस है, यह NaCl के सॉल्यूशन है। चलिए अपने घर में ये था, ये आप जानते हैं, ये जानते हैं इंजीन साफ करने वाले, इनको ले आया। अब इसमें कनेक्शन कर देंगे, कनेक्शन कर रहे हैं बेटे, चलिए घर में पड़े हुए ये थे, वो जीप साफ करने वाली जिग्बी, उनको तोड़ लिया हूं, इससे इलेक्ट्रोड बना रहा हूं। मेरे पास जो साधन है घर में, कॉमन हाउस होल्ड है, इसमें दो वायर जुड़ा हूं, एक पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करवाएंगे। याद रखिएगा ये एडेप्टर है, डीसी वोल्ट, एसी से नहीं होगा। अब ये पानी में नमक घुला हुआ है, NaCl एक्वस है, इसमें हम लोग डीसी करंट पास करवा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना, करवा करके कई तरह का केमिकल बना लेना, और इलेक्ट्रोलाइसिस है अब जानते हैं, दोनों रॉड टच में ना आए, इसके लिए आप लोग कहेंगे ये क्लिप लगा दिया, कैमरा थोड़ा सा पास में लेते आओ और अच्छे से देखेंगे। ये NaCl एक्वस है, चलिए कैमरा को पास लाया हूं ताकि आप ठीक से देखें। ये नमक का घोल है, इसमें वो दो रॉड बनाया हमने, एक पॉजिटिव के लिए और दूसरा नेगेटिव के लिए। आप जानते हैं जो नेगेटिव है वो कैथोड होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, जो पॉजिटिव होते हैं वो एनोड होते हैं। अब चलिए हम डीसी वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, ये डीसी इसको ऑन कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं, आप ये देखिए क्या हो रहा है, थोड़ी देर तक छोड़ते हैं इसको, अभी लग रहा है एक जगह से ये बबल आ रहे हैं, ये बबल आ रहे हैं, बबल आ रहे हैं, और कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा है, सोल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है, सोल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है। ये सोल्यूशन का कलर अब चेंज हो रहा है, देखिए कलर चेंज हो रहा है, अभी तक बबल आ ही रहे हैं, अब तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता होगा, एक जगह से बबल आ रहे हैं, कलर पूरी तरह से चेंज हो गए हैं। कलर चेंज हो गए हैं, पहले NaCl एक्वस सॉल्यूशन थे उसमें डीसी करंट पास करवा, जो हमारे पास घर में मोबाइल के चार्जर थे उनको थोड़ा खराब किया, कोई बात नहीं है। फिर जो जिबिया है उसको दो रॉड बनाया, अब डीसी करंट को पास करवा रहे हैं तो बबल आ रही है। अब सवाल ये उठता है बच्चे कि एक
एक इसमें एक जो रॉड है जिस पे ये आ रही है बबल आ रही है वो बबल क्लोरीन गैस की है, ये बबल क्लोरीन गैस की है, ये बबल क्लोरीन गैस की है इस पे, और ये पता है वो Cl- जो होते हैं नमक में, नमक में जो Cl- होते हैं तो वो पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल आपने देखा क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल बताइए क्या होता है, एनोड और नेगेटिव कैथोड। कैथोड पे बेसिकली क्या हो रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा। अब सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है, अब इसको हटा लीजिए, कैमरा को हटा लीजिए, बच्चे देख रहे हो। बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमने NaCl लिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक्वस, पहले एकदम क्लियर कट था, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन थे, उसके बाद अभी तक इसमें रिएक्शन चल रहे हैं, बबल आ रहे हैं, एक जगह बबल आ रहे हैं एक जगह नहीं आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रोड पे, वो जो एक इलेक्ट्रोड पे बबल आ रहे हैं वो सॉल्यूशन का कलर ग्रीनिश हो गया है, क्योंकि क्लोरीन ग्रीन गैस है, वो इस घोल में थोड़ा घुल गया है और घोल को ग्रीन बना दिया है, क्लोरीन गैसियस फेस में है और ये ग्रीन है, अभी पता चल गया सॉल्यूशन को ग्रीन बना दे रहा है, इनका मतलब अंदर अंदर जो NaCl है वो बच्चे बदलते होंगे, बोले किसमें, तो हम लोग कह रहे हैं एक क्लोरीन में, क्लोरीन गैस में, और दूसरा NaOH में और हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस में, बहुत कम आ रहे हैं हाइड्रोजन इससे, वो पता नहीं चल रहा, आ रहा है उसकी रंग भी नहीं है, पता नहीं चल रहा। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो क्लोरीन आए बच्चे कहां पे आए, क्लोरीन पे, इसका क्लोरीन ही आया होगा, Cl- दौड़ करके पॉजिटिव की तरफ गया होगा और पॉजिटिव चार्ज वाला टर्मिनल कहलाएगा कैथोड, कैथोड नेगेटिव है, पॉजिटिव वाला तो एनोड ही होना चाहिए ना, तो ये बताइए ये एनोड पॉजिटिव वाला एनोड, एनोड पे क्लोरीन गैस आ रहा है पॉजिटिव वाला, इसका कलर कैसा है, तो कलर ऑफ द गैस इज ग्रीन, कलर ऑफ गैस जो है बच्चे वो ग्रीन है, इसलिए सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, ग्रीन। अंदर अंदर क्या बन रहा होगा हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस तरह से पढ़ेंगे बच्चे, ये टू NaOH दो हाइड्रोजन, ये टेंथ क्लास वाले पढ़े हैं मैथ तक, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी टू कन्वर्ट NaCl सॉल्यूशन टू क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, क्लोरीन एनोड में आएंगे, सॉल्यूशन के अंदर NaOH है, ये प्रोसेस कहलाएगा क्लोर अल्कली प्रोसेस, ये टेंथ क्लास में भी है क्लोर अल्कली। अब थोड़ा सा एडवांस है कि थोड़ी देर के बाद अभी भी रिएक्शन चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी रिएक्शन चल रहे हैं, इस पे बबल आ रहे हैं, काफी ग्रीन हो चुका है बच्चे, पहले एकदम ट्रांसपेरेंट था कोई कलर नहीं थे, अब ग्रीन जो अंदर आ गए हैं और सॉल्यूशन थोड़ा गर्म भी हो गया है। अब हम लोग ये कह दें कि बेसिकली अब होता क्या है कि ये जो क्लोरीन है अंदर अंदर जो घुले हुए हैं, क्लोरीन यही अंदर अंदर बना हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा और ये बनाएगा फिर अंदर अंदर Cl- एंड OCl हाइपोक्लोराइट आयन और सोडियम के साथ कह दें सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो इनका मतलब हम लोग कह दें कि जो अंदर अंदर हैं, इसके जो अंदर बने हैं, अब ये इसके जो अंदर बने हैं बच्चे वो सोडियम हाइपोक्लोराइट बन गए हैं और कुछ क्लोरीन भी गैस, हर गैस कुछ ना कुछ घोल में घुला होगा, अगर गैस हेनरी लॉ आप आगे पढ़ेंगे कि लिक्विड के अंदर भी गैस घुले रहते हैं, तो अब इसी के अंदर घुला हुआ ही क्लोरीन वो बदल रहा होगा,
घुला हुआ क्लोरीन ही बदल रहा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बने वो बताए सोडियम हाइपोक्लोराइड में, और सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन को अलग कर लेंगे NaCl से, NaCl फिर से बन गए, तो हम लोग कह दें इसको NaCl कह दीजिए, इसको बैलेंस कर सकते हैं बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन में, और ये रिएक्शन का स्पेशल नाम है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन अंदर अंदर चल रहा होगा, और बन गया सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोल्यूशन को प्योरीफाई कीजिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड को आप अलग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत क्वांटिटी में बनता ही है, और ये बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, माइक्रोब को ये जो नॉन लिविंग पे माइक्रोब है उसको ये किल करेगा, नॉन लिविंग पे किल करने वाला केमिकल कहलाएगा डिसइंफेक्टेंट। ये बच्चे बेसिकली आपको केमिस्ट्री है एवरीडे लाइफ में भी मिलेगा, और एवरीडे लाइफ हमें केमिस्ट्री को नॉलेज के हिसाब से पढ़ना चाहिए, अगर केमिस्ट्री नॉलेज के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली। चलिए आपने देखा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन कैसे बनाया जाए, कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से आपके सिलेबस से कुछ ना कुछ रिलेटेड थे ही, लाइक बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन प्रिपरेशन में बहुत सारे रिएक्शन थे, और ये नाइट्रोजन तीनों नाइट्रोजन का अलग अलग योगदान था, ये सब मिल करके दिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन HCQ जो आजकल बेहद बहुत ही महत्वपूर्ण है कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से फाइट करने के लिए। और दूसरा बेस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल हमने बनाया सोडियम हाइपोक्लोराइट, इसको छिड़काव करते हैं कई जगह, ये बहुत ही अच्छा किलर है, जो आदमी को किल करता है वो उसको किल कर देगा, कोरोना वगैरह को किल करने के लिए बहुत अच्छा है, और क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में सोडियम हाइपोक्लोराइट बनाएंगे। ये बच्चे स्पेशल लेक्चर था कोरोना केमिस्ट्री पे, अगर आपको अच्छा लगे, ये जनरल इंफॉर्मेशन था, एग्जाम रिलेटेड भी था, केमिस्ट्री को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो एग्जाम भी हो जाएंगे और नॉलेज भी आ जाएगी, तो आप तो स्टडी नॉट फॉर ओनली एग्जाम बट ऑल्सो नॉलेज, इससे मार्क्स भी आएंगे और दुनिया में आगे बढ़ेंगे, ये इससे प्रेरणा मिलती है। हमें एक्सपेरिमेंट घर पे किया, देखा क्लोरीन गैस वो एनोड पे रिलीज हो रहे थे, अंदर अंदर NaOH भी बन रहा था, और NaOH क्लोरीन के प्रेजेंस में सोडियम हाइपोक्लोराइट बना रहा है, सोडियम हाइपोक्लोराइट बहुत ही अच्छा किसी भी चीज को सिंथेसाइज करने वाला केमिकल है। कोरोना से फाइट कीजिए, डरिए नहीं, सिर्फ केवल जो प्रिकॉशन है मेंटेन कीजिए, आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और जरूर अपने दोस्तों को ये चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।